सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करेंगे फोरआर्म वर्कआउट, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। सो कैलिस्थेनिक में मतलब काफ़ी बंदे मेरे को कहते हैं कि कैलिस्थेनिक से फोरआर्म कैसे ट्रेन करें, नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। कैलिस्थेनिक में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी मसल की है मेरे हिसाब से वो फोरआर्म की है, चाहे वो पुश मूवमेंट हो चाहे वो पुल मूवमेंट हो। पुलअप्स में तो इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है फोरआर्म्स की, जैसे कि हम ग्रिप करते हैं तो फोरआर्म एक्टिवेट हो गई, पुलअप कर रहे हैं तो एक्टिवेट हो गई। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्कआउट चाहिए जो हमारी फोरआर्म को डायरेक्टली हिट करे। आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लाया हूँ। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। हम हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो रिस्ट की मोबिलिटी वगैरह अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना। स्ट्रेचिंग के बाद अपना वार्म अप करने के बाद हमें अपना वर्कआउट शुरू करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज तो हमारी है डेड हैंग, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बार को फुल पूरी जान से जितनी पावर है आपकी फिंगर्स में, आपकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ में, उसे बार को ग्रिप करके वैसी हैंग कर लेना है, डेड हैंग सिंपल जितनी देर हो सके। इससे होगा ये कि आपकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ के साथ आपकी फिंगर भी स्ट्रांग होगी। इसके मैं आपको कुछ सेट और रेप्स बता देता हूँ जो कि आपको करने हैं। इसके मैक्स होल्ड करने हैं 3 से 5 सेट के, और ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोरआर्म कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज है आपकी फोरआर्म में ब्लास्ट कर देगी, बिल्कुल एक मैसिव पंप आ जाएगा फोरआर्म में। गाइस हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है, वो भी डेड हैंग ही है, लेकिन ये फॉर एडवांस लेवल है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग हो तो एक हाथ से लटकना शुरू कर दो। एक्टिव हैंग ही रहेगा, जितनी देर हो सके लटके रहो जब तक ये बार नहीं छूट जाता, लटके रहो। एक टाइम आएगा बार स्लिप होता रहेगा और आप फिर ग्रिप छूट जाएगी और आप नीचे आ जाओगे। फिर क्या करना है, दूसरे हाथ से फिर हैंग करना है जब तक ये रेस्ट पर रहेगा। ऐसी करके अल्टरनेट हैंड से, दोनों हैंड से ट्रेन करना है, और इसके भी वही मैक्स होल्ड करने हैं 3 से 5 सेट के। सो गाइस अब तीसरी जो एक्सरसाइज है ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट एक्सरसाइज है, मतलब जिसे कहते हैं ना फोरआर्म एक्टिवेशन, और जो मतलब फोरआर्म में मज़ा आया करके आज, वो इस एक्सरसाइज से होगा। सो बेसिकली करना क्या है, ग्रिप कर लेना है बार को और इस पोजीशन पे चले जाना है, ये ऊपर से पकड़ के फॉल्स ग्रिप करना है और इसे ऐसे करके होल्ड करके रखना है जितनी देर हो सके। फोरआर्म में पंप देखो, ऐसे होल्ड नहीं करना है, ऐसे आपकी बाइसेप ज़्यादा एक्टिवेट, मतलब फोरआर्म ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहेगी, लेकिन इसे ऊपर से ग्रिप कर लोगे ऐसे करके, जिसे हम फॉल्स ग्रिप भी कहते हैं, तो आपकी फोरआर्म पूरी एक्टिवेट हो जाएगी। सो गाइस ये थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, तो इसे मैक्स होल्ड तो करना नहीं है बिल्कुल भी, इसके 3 सेट करने हैं 30 to 45 सेकेंड्स तक। सो गाइस हमारी 3 एक्सरसाइज तो पूरी हो गई, जिसके बाद एक मैसिव पंप आपको फील होगा अपने फोरआर्म्स में। और मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपनी फोरआर्म किसी पर्टिकुलर डे पे ट्रेन मत करना, इसे ट्रेन करना जिस दिन आप बैक बाइसेप पुल डे, जिस दिन आपका, उस दिन ट्रेन करना, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा अच्छी इन्वॉल्वमेंट होगी। सी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज है कमांडो पुलअप्स में, आपको होल्ड करना है बेसिकली, मतलब कि मैं करके दिखाता हूँ ये, इसे ऊपर होल्ड नहीं करना, इससे होगा ये कि आपकी बाइसेप एक्टिवेट होने लगेगी यहाँ पे, इसे यहाँ होल्ड करना है ताकि आपके फोरआर्म पे लोड आए सारा ये, और जो हाथ आपका आगे रहेगा बेसिकली ये वाला, अगर आपका हाथ आगे है तो आपकी फोरआर्म पे यहाँ पे असर आएगा इस वाली मसल पे। और याद रहे कि होल्ड करते टाइम मैक्सिमम लोड उसी हाथ पे आए जो हाथ आपका आगे है, अगर राइट हाथ आ गया है तो लेफ्ट पे कम जोर रहेगा, कम लोड रहेगा,
और राइट पे ज़्यादा। अब सेम यही अपोजिट करना है लेफ्ट के साथ। जैसा कि हालत देख सकते हो मेरी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे बिल्कुल फोर आर्म्स, बिल्कुल पंप अच्छा आ जाएगा और ग्रो तो गारंटेड होंगी ही होंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ग्रो होंगी कि नहीं होंगी। ये कुछ चार ऐसी एक्सरसाइज है जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ अपनी फोर आर्म को ट्रेन करने के लिए। सो गाइस ट्रेन करो और मुझे ज़रूर बताना कि ये वर्कआउट कैसा लगा ट्रेन करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।